ऐसे वक्त में जब लोग बच्चों की पढ़ाई अच्छे से अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में कराने की होड़ में लगे हुए हैं, इस बीच हाथरस की डीएम ने अपने बच्चे का एडमिशन आंगनबाड़ी केंद्र में कराकर एक मिसाल पेश की है। डीएम अर्चना वर्मा का बेटा दर्शना गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में आम बच्चों के साथ पढ़ाई करता है और बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर खाना खाता है। डीएम ने अपने बेटे का दाखिला किसी बड़े नर्सरी स्कूल की जगह आवास के पास में बने आंगनबाड़ी केंद्र में कराया है। डीएम के बच्चे की तस्वीर लोग सोशल मीडिया पर भी वायरल कर रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल बच्चे की तरह वो आता है, नॉर्मल बच्चे की तरह पढ़ाई करता है। और चूंकि बच्चे हमारे बहुत छोटे होते हैं तो बच्चों के बीच में ये भाव भी नहीं होता कि कौन सा बच्चा किसका बच्चा है। और ये जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी इस तरह का कोई भी विशेष प्रोटोकॉल पालन करने के लिए हम लोगों को निर्देशित नहीं किया गया है। वो बच्चा सामान्य रूप से आता है, सामान्य रूप से बच्चों के साथ पढ़ता है, बच्चों के साथ खेल खेल में जो गतिविधियाँ आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के द्वारा कराई जाती है उन्हीं के माध्यम से सीखे।